नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। आपदा के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए बना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों के लिए आई अच्छी खबर। सूबे के 7 स्टेट हाईवे की चौड़ाई होगी 21 फीट, इन जिलों का होगा फायदा। बिहार में जापानी इंसेफ्लाइटिस के टीके से वंचितों के लिए चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। बिहार में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को विकसित किए जाने की उठी मांग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आपदा के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए बना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आपदा प्रबंधन क्षेत्र और अधिक क्षमतावान के लिए राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले डेवलपमेंट मैनेजमेंट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट को शुरू किया गया। इन सेंटर के माध्यम से आपदा के क्षेत्र में संस्थागत रूप से उत्कृष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन का काम किया जाएगा। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा है कि इन सेंटर ने अपना काम आरंभ कर दिया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों में कौन कौन से बेहतर काम हो रहे हैं, इस बारे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करवाएगा। इसके अतिरिक्त DRR रोड मैप के क्रियान्वयन में सतत तरीके से आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषयों पर डेटा विश्लेषण भी कराया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रविंद्र प्रभात की। रविंद्र प्रभात भारत के एक हिंदी उपन्यासकार, पत्रकार, कवि और लघु कथाकार हैं। उन्होंने एक संपादक और स्क्रीन प्ले लेखक के रूप में काम किया है। उनकी कुछ रचनाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया गया और विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं और संकलनों में भी प्रकाशित किया गया है। प्रभात का जन्म 5 अप्रैल 1969 को भारत के सीतामढ़ी के महिंदवाड़ा गाँव में हुआ था। उन्होंने वहीं पर अपनी प्रारंभिक जिंदगी बिताई है और प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त की है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से भूगोल सम्मान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बाद में उत्तर प्रदेश रजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। सूबे के 7 स्टेट हाईवे की चौड़ाई होगी 21 फीट, इन जिलों को होगा फायदा। बिहार के स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ाए जाने की तैयारी तेज हो गई है, जिसकी संख्या फिलहाल 7 बताई जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के 7 स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। एशियन विकास बैंक की सहायता से पथ निर्माण विभाग इन सड़कों को कम से कम 2 लेन बनाएगा। इससे इन सड़कों की मौजूदा चौड़ाई में 5 फीट का इजाफा होगा और ये 21 फीट हो जाएगी। इन सड़कों के निर्माण में प्रत्यक्ष तौर पर 9 जिलों को लाभ होगा, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, बांका, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, नवादा और औरंगाबाद का नाम शामिल है। वहीं इन सड़कों के निर्माण के लिए ADB ने कर्ज देने की सहमति भी दे दी है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड BASIL ने निकाली रिक्तियां। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BASIL ने तकनीक सहायक, वरिष्ठ मैकेनिक, कैशियर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट के कुल मिलाकर 86 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या 10+2 या डिप्लोमा या डिग्री या ITI या डिप्लोमा या विज्ञान स्नातक में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.basil.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों के लिए आई अच्छी खबर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के साथ ही मार्च महीने में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा ली गई थी, जिसमें ही मूल्यांकन का काम भी अब पूरा हो गया है। अब राज्य शिक्षा परियोजना ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों के लिए विशेष शिक्षण क्लास आयोजित करने का निर्देश दिया। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए विशेष शिक्षण वर्ग आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विद्यालयों में ऐसे बच्चों के लिए 7वीं और 8वीं घंटी में विशेष कक्षा आयोजित की जाएगी। पहले जैसे ही चलेगी मछुआरा सहयोग समिति। बिहार के मछुआरा सहयोग समिति के संचालन में कोई बदलाव नहीं होने वाला, ये पहले की तरह चलने वाली है। इसके संकेत बीते दिन बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिए हैं। कुछ समय पहले ही VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने NDA का हिस्सा रहते हुए मछुआरा समिति को लेकर बदलाव किए थे, लेकिन इसी बीच बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में मछुआरा सहयोग समिति को लेकर जो निर्णय मुकेश सहनी ने मंत्री रहते 15 मार्च को लिया था, उसे परंपरागत मछुआरों को काफी परेशानी होगी। इसे जल्द बदला जाएगा और पहले जो नियम थे उसी के अनुसार प्रदेश में मछुआरा सहयोग समिति चलेगी। संजय जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि मंत्री रहते हुए मुकेश सहनी ने मछुआरा सहयोग समिति को लेकर जो निर्णय लिया वो बिल्कुल गलत था। बिहार में जापानी इंसेफ्लाइटिस के टीके से वंचितों के लिए चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन बिहार के विभिन्न जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ मुहिम शुरू करने के संकेत दिए हैं। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की मदद से राज्य के लगभग 12 जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस के टीके से वंचित रह गए लाभार्थियों को विशेष अभियान चलाकर टीका दिया जाएगा। वहीं जिन जिलों में इस मुहिम की शुरुआत होने वाली है उसमें दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, पटना, सारण, शिवहर, सिवान, सीतामढ़ी और वैशाली जिले का नाम शामिल है। यहां पर ही नियमित टीकाकरण के अंतर्गत जेई 1 और 2 के टीके दिए जाएंगे। इसको लेकर बिहार के सभी आशा कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये सभी आशा कार्यकर्ता 9 महीने से 10 महीने तक के सभी वंचित बच्चों की सूची तैयार करवा रही है। मधुबनी के नौलखा महल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नौलखा महल का निर्माण मधुबनी जिले के राजनगर में 17वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि इस महल और भव्य मंदिर को बनवाने के लिए महाराजा रामेश्वर सिंह ने 17वीं शताब्दी में 9 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए थे, इसलिए इस महल का नाम नौलखा मंदिर पड़ा। इस महल का मुख्य आकर्षण महल का हाथी पर बनाया जाना है। पूरा महल हाथी के आकार के विशाल पिलर पर बना हुआ है। यहाँ पर जहाँ भी पिलर है जरूरत थी वहां पर विशाल हाथी बनाया गया है और उसके ऊपर पूरे महल का एक भव्य रूप देकर निर्माण करवाया गया। 1934 में आए भूकंप में ये महल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद दरभंगा राज्य के 22वें महाराजा कामेश्वर सिंह ने पुनः इसे संवारा, लेकिन 1988 में आई भयंकर भूकंप में ये महल फिर से ध्वस्त हो गया। बिहार के कई जिलों में लू को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के विभिन्न जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मार्च के महीने से ही पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अब बिहार के कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 7 शहर पटना, गया, शेखपुरा, जमुई, बक्सर, बांका और नवादा लू की चपेट में है। लोगों को सतर्क करने के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों की माने तो प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में तापमान में वृद्धि का कारण बीते 24 घंटे से राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवा है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर शहीद विशाल को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। श्रीनगर में हुए हमले में शहीद हुए बिहार के लाल विशाल का पार्थिव शरीर बीती शाम पटना पहुंचा। उनके पहुंचने पर उनकी श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। पटना एयरपोर्ट पर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यही रही थी कि बिहार सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। हालांकि इस दौरान जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शहीद विशाल बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे और सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। बिहार के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को विकसित किए जाने की उठी मांग। बिहार पिछले कुछ सालों से पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, जो कि पर्यटकों की संख्या के मामले में है। वैसे स्थान जो पर्यटन के लिहाज से शानदार हो सकते थे लेकिन बुनियादी सुविधाओं या फिर अन्य ढांचागत दिक्कतों की वजह से उपेक्षित थे, अब वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद ही अब बिहार के ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की तैयारी हो रही है। जानकारों की माने तो अब जरूरत है कि अन्य प्रमुख शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाए। राजगीर की नेचर सफारी बिहार और बाहर के लोगों को आकर्षित करने लगी है। प्राकृतिक सुंदरता से भरे अन्य ऐसे स्थान को भी बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं से लैस करना जरूरी बताया गया है। बिहार सरकार ने की बजट के चौमाही खर्च की सीमा तय। बीते दिन बिहार सरकार ने बजट के चौमाही खर्च की सीमा को तय कर दिया है, जिसके तहत ही सरकार ने इसको लेकर बीते दिन ही सभी विभागों को गाइडलाइन भेजकर इससे अधिक खर्च नहीं करने की हिदायत दे दी है। इसके तहत सभी प्रशासनिक विभाग या फिर नियंत्रित पदाधिकारी अपने जिम्मे आवंटित बजट के 33% से अधिक 31 जुलाई तक नहीं खर्च कर सकते हैं। अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी इसी अनुपात में राशि आवंटित करने के लिए कहा गया है। जानकारों की माने तो राज्य सरकार की तरफ से चौमाही खर्च सीमा तय करने का मकसद खजाने और खर्च के बीच संतुलन बिठाना है, जिससे खर्च के अनुपात में राजस्व की वसूली भी समयबद्ध तरीके से हो सके। कश्मीर में बिहारियों को मिलनी चाहिए सुरक्षा। हाल ही में कश्मीर में बिहारियों पर हुए हमले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा फूटा है, जिसके तहत ही उन्होंने कश्मीर में रहने वाले बिहारियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। जिसको लेकर ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को बिहारियों की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाने की जरूरत है, साथ ही जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा साधे गए निशाने में कई लोगों को चोट आई है, तो वहीं एक बिहारी सैनिक की जान भी चली गई। वहीं जिन लोगों को चोट आई है वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कश्मीर में बिहारियों को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी कई ऐसे वाकया घटित हो चुके हैं। इसको लेकर सीएम नीतीश ने भी बीते दिन अपनी चिंता व्यक्त की है। सीएम नीतीश ने अपने गृह जिले में किया जनसंवाद।
बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बीते दिन अपने गृह जिले नालंदा में जनसंवाद करने पहुंचे। इस दौरान इन्होंने कई इलाकों का दौरा किया और लोगों से संवाद किया और उनसे फीडबैक भी लिया। जानकारों की माने तो सीएम नीतीश की ये यात्रा नए माहौल और जमीनी हकीकत को जानने के लिए थी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिला के अस्थावा प्रखंड स्थित बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा निर्माणाधीन ग्रिड सब स्टेशन अस्थावा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ग्रिड सब स्टेशन के कार्य प्रगति के विषय में पूरी जानकारी ली। अस्पतालों में दवा और उपकरण की होगी वृद्धि। बिहार के अस्पतालों में दवा और उपकरणों की बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर बीते दिन भारत सरकार से स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर करीब 997 करोड़ रुपए मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने इमरजेंसी कोविड रिस्पांस फंड 2 के तहत 516 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बिहार को 481 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। अब अंगूठा बताएगा आपने एक बार शराब पी है या बार बार। बिहार में शराब पीना ही जुर्म है। ऐसे में शराब पीने वालों के खिलाफ सख्ती भी कई है। हालांकि शराबियों के खिलाफ बढ़ रहे मामलों को देखते हुए ही बिहार में इन्हें सजा देने के प्रावधान में बदलाव किया गया है, जिसके तहत ही पहली बार पीकर पकड़े जाने पर 2 से 5 हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर जेल की सजा है। जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस को ये पता कैसे चलेगा कि किसी ने पहली बार पी है या फिर दूसरी बार। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए सरकार की तरफ से विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। शराब पीते हुए पकड़ा गया व्यक्ति पीने के आरोप में पहली बार पकड़ा गया है या दूसरी बार, इसका फैसला अंगूठे के निशान से हो जाएगा। इसके लिए शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले सभी आरोपितों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। बिहार में दवा दुकानों पर बढ़ेगी सख्ती। बिहार के सभी दवा दुकानों पर सख्ती बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार में अब दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए और दवाओं की कीमतों पर मनमानी को नियंत्रित करने के लिए ही स्वास्थ्य विभाग ने ड्रग इंस्पेक्टर को नई जिम्मेदारी सौंप दी। इसको लेकर ही सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वो महीने में कम से कम 20 दवा प्रतिष्ठानों की जांच करें और अपनी रिपोर्ट सरकार को मुहैया कराए। सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों ही स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर औषधि निरीक्षक के कार्यकलाप की समीक्षा की गई, जिसके बाद ही उक्त निर्णय लिया गया है। भाजपा ने बताया बिहार के मुख्यमंत्री पद के चेहरे। बिहार में इन दिनों नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी गलियारे में अटकलें लगने लगी है। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद इन बातों का खंडन किया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। इन दोनों बयानों को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया और सरकार पर हमले शुरू कर दिए। सोमवार को ही दिल्ली से पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि तारकिशोर प्रसाद के बयान से साफ है कि बिहार में भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं। राजद विधायक के इस बयान पर भाजपा ने बीते दिन पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने एक नहीं भाजपा के दो दो चेहरों को मुख्यमंत्री पद के योग्य बताया। भाजपा प्रवक्ता ने तेजस्वी से पूछा कि क्या इसके बावजूद उन्हें नित्यानंद रॉय में काबिलियत नहीं दिखती है। अपनी पार्टी को बचाने में लगे चिराग बीते कुछ दिनों से विपक्षी दलों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में राजद से मुलाकात के बाद बीते दिन चिराग पासवान ने पप्पू यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। वहीं मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लोजपा में टूट के बावजूद भी चिराग ने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद भी ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि उनसे 12 जनपद स्थित सरकारी आवास खाली करवाया गया। पप्पू यादव ने कहा कि हम लोगों की सोच एक जैसी है, हम लोग आपस में भाई और हमेशा रहेंगे। हालांकि चिराग पासवान की मुलाकातों के बाद लगातार नए सियासी समीकरण को लेकर के अटकलें भी तेज हो गई हैं। चिराग पासवान के बंगला खाली करने पर पशुपति पारस ने दिया बयान। हाल ही में चिराग पासवान को परिवार समेत सरकारी आवास से निकाला गया, जिसके बाद से ही जहां विपक्षी चिराग के साथ खड़े हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस ने इस मामले पर अब जाकर अपना बयान दिया है। जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान खुद राजनीतिक फायदे के लिए सड़कों पर भीमराव अंबेडकर और रामविलास पासवान की तस्वीर फेंक चुके थे। उन्होंने अपने ही पिता को अपमानित करने का काम किया है। चिराग और उनकी मां ने बंगले की कीमती सामान को ट्रक में लाद कर ले गए, वहीं तस्वीरों को जानबूझकर फेंका ताकि उन्हें भी राजनीतिक फायदा मिल सके। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। राजकुमार खुसरो की 1606 में अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ बगावत की। रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने 1919 में पहली अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। भारतीय तैराक मिहिर सेन ने 1966 में पाक
जल डमरूम मध्य तैरकर पार किया। भारत की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 1980 में आज ही के दिन स्थापना हुई। भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और भारत दौरे पर आए अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गेथनर ने 2010 में आर्थिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रसिद्ध क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर का 1956 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता संजय सूरी का 1971 में जन्म हुआ। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का 2001 में निधन हुआ था। इंस्टाग्राम पर वेंकटेश अय्यर और तेलुगु एक्ट्रेस प्रियंका की चैट हुई वायरल। वेंकटेश अय्यर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे लीग में ही कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलना शुरू किया और कम ही समय में अपने खेल से धमाल मचा डाला। एक साल से कम समय में ही वो टीम इंडिया की तरफ वनडे और टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर चुके हैं। वेंकटेश वैसे तो सोशल मीडिया पर कुछ खास एक्टिव नहीं रहते, लेकिन उन्होंने जैसे ही तेलुगु एक्ट्रेस प्रियंका जवालकर की एक पोस्ट पर कॉमेंट किया, ये कॉमेंट वायरल हो गया। प्रियंका की पोस्ट पर वेंकटेश का कॉमेंट आया तो तेलुगु एक्ट्रेस ने जवाब भी दिया। फिर क्या था, फैंस इस चैट के मजे लेने लगे हैं। व्हाट्सएप में आ रहा बहुत काम का फीचर। व्हाट्सएप अपने यूजर के चैटिंग एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने के लिए कई शानदार फीचर्स ऑफर करता है। इसके बावजूद भी यूजर को एक बेहद जरूरी फीचर की कमी काफी समय से खल रही है। इस फीचर के ना होने से यूजर बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते। हालांकि व्हाट्सएप ने यूजर को इस जरूरत को समझा है और कंपनी जल्द ही यूजर की समस्या का हल भी करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रॉइड के लिए आई नंबर बीटा वर्जन नंबर 2.22.8.11 से पता चलता है कि कंपनी इस फीचर पर काम कर रही है। बीटा वर्जन के मुताबिक नए अपडेट में यूजर फोन में सेव नहीं किए गए नंबर पर भी मैसेज कर सकेंगे। इसके लिए यूजर को चैट बबल के अंदर केवल अनसेव नंबर पर टैप करना होगा। शराब विक्रेताओं की संपत्ति जब्त नहीं करने पर आयकर विभाग को फटकार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस कानून की आड़ में अभी भी खुले तौर पर शराब की बिक्री का काम हो रहा है। साथ ही लोग धड़ल्ले से पी भी रहे हैं। यही कारण भी है कि सरकार समय समय पर नियमों को सख्त करते आई है। इसी में एक कानून शराब विक्रेताओं की संपत्ति को जब्त करने का भी था, लेकिन आयकर विभाग इस काम में ढिलाई कर रही है। यही कारण भी है कि पटना हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाई है, जिसके तहत ही हाईकोर्ट ने कहा है कि शराब विक्रेताओं के पास आखिर पैसा कहां से आया, इसकी जांच कौन करेगा। ऊपर ऊपर जांच कर लेने से काम नहीं चलेगा। आखिर शुरुआती दौर में किसी के पास पैसा कहां से आता है, जिसके बाद ही कोर्ट ने अब 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। बिहार के अभिनेता गुरमीत चौधरी बेटी के जन्म के बाद मीडिया से हुए रूबरू। टीवी के स्टार्स देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी हाल ही में पेरेंट्स बने हैं। रविवार को उनकी बेटी का जन्म हुआ। कपल ने एक वीडियो शेयर कर फैंस और फॉलोअर्स को बेटी के जन्म की जानकारी दी थी। अब देबिना अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। अस्पताल के बाहर वो और गुरमीत दोनों साथ थे। उन्होंने बेबी बास्केट में अपनी बेटी को लिया हुआ था। देबिना और गुरमीत दोनों काफी एक्साइटेड दिखे। उन्होंने पेपराजी के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए पोज भी किया, साथ ही उन्होंने हाथों में हार्ट का शेप भी बनाया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सोनाली सिन्हा, गौतम कुमार, पूजा कुमारी, राम नारायण, राजीव कुमार, विजय खायन, दीपक कुमार, अकवाली यादव, सुमन कुमार, अमन कुमार, अभिषेक कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज कोलकाता बनाम मुंबई के बीच में होने वाले आईपीएल के मुकाबले में किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।